प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में प्रधानमंत्री अपने आवास पर एक गाय के बछड़े के साथ दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि इस बछड़े का नाम उन्होंने दीप ज्योति रखा है। प्रधानमंत्री ने पोस्ट करते हुए लिखा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है गावह सर्व सुख प्रदा। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गौ माता ने एक नए बछड़े को जन्म दिया है जिसके माथे पर ज्योति का प्रतीक है। मैं इसका नाम दीप ज्योति रख रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है गावह सर्व सुख प्रदा। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का आगमन हुआ। आपको बता दें कि पीएम मोदी के आवास पर पुंगनूर नस्ल की गायें रहती हैं जो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। इनकी हाइट सिर्फ 2.5 से 3 फीट तक होती है। पुंगनूर नस्ल का बछड़ा या बछिया जब पैदा होती है तो उसकी हाइट महज 16 इंच से 22 इंच तक होती है। ये गाय अत्यधिक पौष्टिक दूध देती है। इसी साल मकर संक्रांति पर पीएम मोदी ने गायों को चारा खिलाया था। ये गायें अपनी नस्ल और हाइट को लेकर चर्चा में रहती हैं। जैसे ही इनकी तस्वीरें सामने आई सोशल मीडिया पर भी इनकी काफी चर्चा हुई। दूध 8% वसा के साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। इनका दूध कई तरीके की बीमारियों के खिलाफ कारगर होता है। ये गाय प्रतिदिन 3 से 5 लीटर दूध देती हैं। हालांकि बात करें इसकी कीमत की तो एक गाय 1 से 5 लाख रुपए में मिलती है। ये गाय ज्यादा चारा नहीं खाती, इन्हें प्रतिदिन महज 5 किलो चारा डालना होता है। गाय की इन सब खासियतों के बीच परेशान करने वाली बात यह है कि ये नस्ल विलुप्त होने की कगार पर है। इसको देखते हुए आंध्र प्रदेश में इसके संरक्षण पर काम चल रहा है जिसके परिणाम काफी सकारात्मक बताए जा रहे हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।